खबर मध्य प्रदेश के हंडिया से है, जहां शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों विद्युत कटौती के चलते मरीजों और बिजली से संचालित उपकरण बंद पड़े हुए हैं। हंडिया बीएमओ शैलजा महाजन ने बताया कि सभी सेंटरों में हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से वैक्सीन इंजेक्शन, एक्सरे मशीन, लैब टेक्नीशियन, ब्लड रिपोर्ट जैसे काम प्रभावित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दर्जनों गांव शामिल हैं। बीएमओ ने विद्युत वितरण कंपनी को आवेदन पत्र देकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के लिए कंपनी के अधिकारी को पत्र भेजा है। निश्चित रूप से अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक तो बिजली बार बार जाती है, दूसरा वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या है, और हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है अति आवश्यक सेवाएं देता है। यहाँ पे 24 आवर्स डिलीवरीज हो रही हैं, एक्सरे कक्ष है, और वैक्सीन के लिए जो है स्टोरेज यूनिट भी यही है। अब कम वोल्टेज के कारण, बिजली ना होने के कारण कई बार मोटर नहीं चल पाती, पानी की सप्लाई ना होने से अस्पताल में साफ सफाई में भी दिक्कत आती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए मैंने स्वयं भी कल एक संबंधित अधिकारी को आवेदन दिया है ताकि इन समस्याओं से मुक्ति मिल सके।